0 0 0 0 0 0 एंड हमारे पास है 8 5 11 0 बनते हैं 3 3 3 एंड 11 और ये नंबर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सी आसान इसका मेथड है वो आपको करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इस पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट हैं। टोटल डिजिट है हमारे पास 3 3 0 3 0 6 9 and 2 0 11 and 13। ये बात तो होगी कि 13 हमारे पास डिजिट हैं आफ्टर पॉइंट। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएं। हम चाह रहे हैं कि 8.8 यहाँ पे हमारे पास डिजिट हो और पॉइंट लगा के उसके बाद सारे नंबर हों। तो ये देखें 8.5 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई हम 10 रेज की पावर में इसको हम ले जाएंगे। अब 10 रेज की पावर में लेके जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि ये पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं तो ये माइनस में आएंगे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये माइनस में क्यों आएंगे। अब आप ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक पॉइंट के बाद हमने लगा दिया, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो कितने बचे बकाया हमारे पास 12 12। 8 raised to power -12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये क्यों कैसे हमने लगाया, तो जब हम इसको काटते हैं पॉइंट को तो हमारे पास देखें यहाँ पे 1 और इसके साथ आ जाएगी आपके पास 0, जितने भी डिजिट हैं ये वाले उतने 0 आ जाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे है। जब हम उसको लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो 10 raised -12 आ जाएगी, जो भी हमने लिखना है माइनस पार आ जाएगी -n। अब हमने क्योंकि एक पॉइंट के बाद लगाया डिजिट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो इस तरफ वो वाला ये 0.5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 raised to power -12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 0.00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 
देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने के लिए ये करता हूँ तो आपको अभी बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इस पॉइंट को काटूंगा, फौरन वन लगा दें आप। अब जितने भी डिजिट हैं इधर आपके पास, जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा दें। 3, 3, 2, 8, 6, 9, 11 और जो हैं वो मेरे पास 11 और 3 जो हैं 14। 14 जीरो मुझे लगाने हो गया से, लेकिन इसको मैं शार्टली जब लिखूंगा 10^14 बन जाएगा। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10^-14 बनेगा। लेकिन हमने क्योंकि पॉइंट के बाद लिखना है कुछ, यहाँ पे 9.42 मल्टीपल 10^ हमने लिखना है। तो आपको यहाँ से अब आपको सीखना होगा। देखें 14 तो हमारे पास टोटल डिजिट थे, ठीक है। उसके बाद हमने 14 टोटल डिजिट थे हमारे पास, ये देखें पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये लिख लिया और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो दो डिजिट है ना उनको कम करके आपने यहाँ पे पार लिख देनी है -12। फाइन, यहाँ पे -12 पार आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ऐसे ही मेरे पास है क्वेश्चन है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए 602 और उसके बाद है 130। तो इसको मैंने लिखना सिखाना है आपको। 6 लिख लिए यहाँ पे, पॉइंट लगाएं। अब ये जितने भी डिजिट हैं, ठीक है, मल्टीपल 10 आप काउंट करें इसको, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। ठीक है, ये 0.2 मैंने 1 के बाद लगाना है और आपके पास 15 डिजिट बने। तो सिंपल वे है, आपने इसका 15 लिख देना है। अब ये पावर माइनस में नहीं आएगी क्योंकि ये पॉइंट के बाद नहीं है, ये सीधे सीधे डिजिट हैं, तो इसलिए पावर पॉजिटिव आ जाएगी। सिमिलरली एक और